रोड हमारे पास नहीं है। पहले रोड जो था वो डैम पे में डूब चुका है, अब उसके बाद में कोई रोड नहीं है यहाँ पे। 4 किलोमीटर की समस्या है ये रोड की बकायन के लिए घटेरा। और दूसरी समस्या है कि ये गांव डूब में होते हुए भीटा के अंदर होते हुए भी और उठा नहीं है, कोई सर्वे नहीं हुई इस गांव की। और तीसरी समस्या सबसे बड़ी कि सिंचित ज़मीन होने के बावजूद भी असिंचित का पैसा दिया गया। सबसे मुख्य समस्या तीन, और बाकी समस्या तो ऐसी लगी रहती हैं। तीन मुख्य समस्याएं हम लोग की। मतदान बहिष्कार में कितने गांव आते हैं? दो, हमारा एक ही गांव बरखेड़िया नाहर जिसमें 765 वोटर हैं, तो सभी ने बहिष्कार किया कि इस बार वोट नहीं करेंगे हम लोग, जब तक समस्याओं का लिखित हमको वो नहीं मिलेगा। उसमें किसी भी प्रकार की हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सुनवाई नहीं की जाती है, लेकिन उसके अलावा जैसे अभी मतदान हो रहा है, हम लोग आए हैं कि मतलब हम मतदान नहीं करेंगे, किसी कारण नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिंचाई में ज़मीन थी उसका असिंचित का मुआवजा दिया गया है, और जो हम लोग जानवर पाले हैं जैसे कि उससे हमारा चलता था, घर चलता था, तो हम लोग को वहाँ जहाँ पर उन्होंने प्लाट दिया है तो वहाँ सिर्फ व्यक्तिगत इंसानों के लिए दिया है, जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कि जैसे मान के चलो ना ही जानवरों को ज़मीन दी है, ना उनको रहने के लिए, ना खाने के लिए, चरने के लिए कोई जगह ज़मीन नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से वहाँ चले जाएंगे तो सिर्फ हम लोग रह सकते हैं, वहाँ भू अर्जन मतलब ना पेट पालने के लिए ना किसी चीज़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जो हम लोग के मकान डूब में हैं उनको भी उन लोगों ने आधे मकान चढ़ा दिए हैं, आधे छोड़ दिए हैं, तो उसमें से कुछ सप्लीमेंट्री में दोबारा सर्वे की गई है, ना उसका कोई निराकरण दे रही है। और जो बार बार वो क्या करते हैं कि घर जमीन हम लोग डुबा देते हैं, डैम्प में पानी छेक देते हैं, तो हम लोग को गेर गेर से पानी भर देते हैं ताकि ये अपने आप भाग जाए, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ना निकलने के लिए रास्ता है, ना कुछ, पूरे गेर के पानी छिक जाता है और हम लोग वहीं फंस जाते हैं बीच के बीच। तो उसमें क्या होता है, कई बार हम लोग के घरों में पानी आ गया है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, ना निकलने के लिए रास्ता रहती है, ना कुछ, वहीं भी जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं रहती है, इसीलिए हम लोग वोटिंग नहीं करना चाहते। कितने गांव हैं इसमें? इसमें दो गांव हैं, चोपरा और बरखेड़ा। कितने वोटर हैं इसमें? है कम से कम 768 वोटर। दूसरी समस्या हमारी है कि जो सीतानगर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हमारी जमीनें ली गई हैं, वो हमारी पूरी जमीनें पहले से सिंचित रकबा में थी, और जो अब मुआवजा दिया गया तो वह असिंचित का दिया गया, और उतने मुआवजे से हम लोगों का कुछ भरण पोषण नहीं होने वाला, इतनी कम मुआवजा दिया गया, और कहीं से हम लोगों को रोड रास्ता नहीं है, और हमारा जो 6 किलोमीटर पड़ता है मेन रोड लगने के लिए, तो वो यहाँ से पूरी रास्ता ख़राब पड़ी है। यदि आज के समय में कोई प्रेगनेंसी हो जाती है तो रास्ते में भी हो जाए, किसी भी वाहन से ले जाओ, क्योंकि इतना ख़राब रास्ता है, और वहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और इस पर शासन प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा। हम लोग कई बार कलेक्टर तहसीलदार के पास गए, कई प्रतिनिधियों के पास गए, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। कितने किलोमीटर मार्ग नहीं है? क्या कितने किलोमीटर मार्ग नहीं है? यहाँ से 6 किलोमीटर और यहाँ से 4 किलोमीटर मार्ग नहीं है हमारे। तो आप लोग मतदान? इसीलिए हम लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे। जो जन समुदाय ने बताया कि एक तो डूब क्षेत्र में आने के कारण ये जो पहले सड़क थी वो सड़क बंद हो गई, और ये सीधे रास्ता नहीं है यहाँ पर, तो रास्ते की बात जो जायज मांग है, क्योंकि लोगों यदि गांव से रास्ता ही बंद हो जाएगा तो कठिनाई तो है। दूसरा जो इनका है कि यहाँ जो मुआवजा दिया गया वो मुआवजा असिंचित का दिया गया, जबकि रिकॉर्ड में वो ज़मीन सिंचित है, तो वो विसंगति है, उसके लिए बात करेंगे ऊपर कि क्यों ऐसा हुआ, और उसके परीक्षण करा करके, और यदि सही पाया जाएगा तो उसकी निश्चित रूप से उस मुआवजे को कराया जाएगा। तीसरी बात यहाँ ये कि जो पीछे गाँव के पीछे जो डैम का बंड बनी हुई है, मेड़ बनी हुई है, बनाज भीटा जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में भीटा, तो उस वो गांव के उस तरफ है, तो सभी लोगों का ऐसा मानना है कि ये जब डैम पूरा भरेगा तो शायद ये गांव डूब में आ जाएगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। अब ये तो टेक्निकल बात है, जो अधिकारियों से पूछ करके उसको किया जाएगा। सारे किसी ने बताया, कलेक्टर साहब ने कुछ लिख के भी दिया है, वो पढ़ने में नहीं आ रहा था मेरे को, तो ये जो दो तीन बातें कही हैं मैंने सबसे अनुरोध किया है, क्योंकि अभी व्यस्तता का समय है, इतनी देर तो अपन खड़े नहीं रह सकते क्योंकि बाकी पोलिंग भी जाना है, तो मैंने कहा अगर कोई आप लोगों की ऐसे सामंजस्य बनने जैसी बात आती है, अधिकारी आ गए हैं
उनके साथ बैठ के बात बनती है, तो मैं वापस आके और आपके बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ और आप गांव के लोगों की लड़ाई लड़ने को भी तैयार हूँ। तो लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया है, मतदान करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, अभी तो मतदान बहिष्कार किया, जब तो वो सब लोग आए हैं अधिकारी, हम लोग को भी जानकारी मिली कि मतदान का बहिष्कार किया है, तो इसलिए हम आए हैं कि भाई मतदान करें, क्योंकि मतदान ये प्रजातंत्र का जो पर्व है, ये इसका भरपूर आनंद और भरपूर आपका सहयोग देश के लिए और प्रदेश के लिए होना चाहिए, क्योंकि मत ऐसा एक अधिकार है कि आप तय करते हो कि आप क्या चाहते हैं। कोई आश्वासन दिया है लोगों को कि उनकी मांगें पूरी होंगी कि नहीं? अभी तो चर्चा उनके द्वारा मेरे पास आई है, अभी अधिकारियों से बात की है, लेकिन वो चूंकि अब जब बहुत माप होता है तो एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, चार कुछ कहते हैं, तो वो बात तय नहीं हो पाती। जब एक बार तय हो जाएगी बात तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। मतलब मैं तो उनके समर्थन में खड़ा हूँ, अधिकारियों से बात की जा सकती है, और मैंने कहा है, कुछ लोग थे वहाँ, कि भाई अगर आपकी जो मांग जायज भी है और होना भी चाहिए कि सिंचित और असिंचित का मामला है। लैंक्सेस उद्योग की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत, लैंक्सेस उद्योग, नागदा।